बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं। यूपी में हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का मिशन 2024। जेपी नड्डा का यूपी दौरा। अट्ठाईस फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर दौरा। यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर नजर। बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। यूपी में बंपर जीत हासिल कर एक बार फिर केंद्र की सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य बीजेपी ने बना लिया है। मिशन 2024 में जुटी बीजेपी ने यूपी में हारी हुई सीट और कम अंतर वाली सीट के लिए खास रणनीति बनाई है। अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का जिम्मा खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला है, जो यूपी दौरे पर आ रहे हैं। जेपी नड्डा 28 फरवरी को अमरोहा और सहारनपुर का दौरा करेंगे। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ सीटें जो पिछली बार रह गई थी, उन सीटों को भी इस बार जीतने का हमारा लक्ष्य है। अब कुल मिलाकर जो सीट हम कम वोटों से जीते या जो सीट हम कम वोटों से हार गए, कोई ऐसी सीटों पर भी आगे आने वाले दिनों में हमारा और भी अच्छा पार्टी करे, तो इसको लेकर हम लोग लगातार संगठनात्मक काम है और भी काम है, हम लोग करते ही रहते हैं। वो पार्टी उस पर लगी हुई है। बीजेपी की 2019 में हारी हुई 14 लोकसभा सीटों पर इस बार विशेष नजर है। यहाँ बीजेपी जीत दर्ज करने के लिए अभी से किलेबंदी में जुट गई है। बीजेपी हारी हुई लोकसभा सीटों पर विधानसभा क्षेत्र तक विस्तारक भेजने जा रही है। ये विस्तारक बूथ लेवल तक जमीनी हकीकत की रिपोर्ट बनाकर पार्टी हाईकमान को देंगे। 2019 में बीजेपी को बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अम्बेडकर नगर के साथ साथ श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, संभल, मुरादाबाद, मैनपुरी और रायबरेली में हार का सामना करना पड़ा था। हारी 14 लोकसभा सीटों के अलावा बीजेपी का फोकस इन सीटों पर भी है, जहां जीत का अंतर काफी कम रहा है। इनमें मछली शहर सिर्फ 181 मतों से, तो मुजफ्फरनगर सीट पर 6526 मतों से जीत हासिल हुई थी। मेरठ में जीत का अंतर 4729 मतों का था, तो चंदौली में 13954 मतों से जीत मिली थी। बीजेपी ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी छाटी है, जहां जीत का अंतर 1,00,000 वोट से कम रहा है। इनके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां जीत का अंतर 1,25,000 वोट से कम था। बीजेपी का पहले चरण में फोकस कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। यहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को प्रवास की जिम्मेदारी दी जाएगी। जितनी भी संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी थी, उसके लिए एक पूरा कार्यक्रम बना हुआ है। सारे बड़े नेता, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सब के दौरे नियत समय पर हो रहे, और उत्तर प्रदेश में खास करके जो सीटें हमने हारी थी उस पर भी सारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे हो रहे हैं। जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी से उन वादों के बारे में पूछ रही है जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों से किए थे। रोजगार के वादे, किसानों से उनकी आय दुगनी करने के वादे किए थे, और महंगाई से परेशान जनता से महंगाई को कम करने के वादे किए थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पे फेल है। जाहिर है बीजेपी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन पर हर अड़चन को निकालना चाहती है, ताकि लोकसभा चुनावों में वोटों की बंपर फसल हो सके। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लोकसभा चुनाव को, 24 का जो चुनाव है, उसको लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लखनऊ से वुडनलेस दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट प्रदेश। और यूपी में जातीय जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी अभियान चलाने जा रही है। 24 फरवरी से 5 मार्च तक समाजवादी पार्टी का अभियान चलेगा। एसपी हर ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी करेगी। सबकी जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तीनों कालम के साथ गणना होगी, तो निश्चित रूप से सभी वर्गों में जो शैक्षणिक रूप से कमजोर लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उन सब की जानकारी कलेक्ट होगी, जिसको समाज में बराबर का प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पहल करने का काम करेगी। इसलिए
कहां चित्रकूट की जेल में जब मन चाहा जिससे चाहा मुलाकात हो जाती थी, हर शौक पूरा हो जाया करता था, और कहां कासगंज जेल में जान पर बनाई है। अब्बास अंसारी के भाई ने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि अब्बास की जान को वहां बंद माफिया कुंटू सिंह से खतरा है, लिहाजा उसकी जेल बदल दी जाए।